बलात्कारी गुरमीत राम रहीम की राजदार प्रियंका तनेजा उर्फ हनीप्रीत के हर राज से पर्दा उठ जाएगा। पुलिस को हनीप्रीत का मोबाइल मिल गया है और अब उसके लैपटॉप की तलाश है। हनीप्रीत का राज खुलेगा आईफोन 7, खुल जाएगा हिंसा का हनी प्लान, हनीप्रीत के मास्टरमाइंड का ऑपरेटिंग सिस्टम। मरून रंग के सूट में दुपट्टे से अपना चेहरा छिपाकर जा रही रेपिस्ट बाबा की राजदार हनीप्रीत को पुलिस वाले अंबाला जेल ले जा रहे हैं। इस दौरान मीडिया वाले सवाल पूछते रहे लेकिन वो मौन रही। हनीप्रीत मौन इसलिए है क्योंकि उसे पता है कि उसके हर राज से पर्दा उठने वाला है। पंचकुला पुलिस ने हनीप्रीत का काले रंग का आईफोन 7 जब्त कर लिया है। पंचकुला हिंसा के बाद अंडरग्राउंड होने से पहले ये फोन हनीप्रीत विपासना को दे गई थी, जिसे पुलिस ने विपासना से बरामद कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फोन के होम बटन पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा है। इस फोन को टेक्निकल लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। फोन में पंचकुला हिंसा से पहले और तुरंत बाद के दिनों के कॉल रिकॉर्ड्स और पुराना डेटा है। हनीप्रीत इसी आईफोन 7 का इस्तेमाल करती थी। पूछताछ में हनीप्रीत ने साजिश से जुड़े कई राज उगले हैं। ग्रे कलर की HR55D6201 नंबर की इस इनोवा में पंचकुला के सेक्टर 23 थाने में नीले रंग की चेक शर्ट और कैमल कलर का पैंट पहने विपासना जैसे ही अंदर पहुंची और उसका हनीप्रीत से आमना सामना हुआ तो हनीप्रीत उससे लिपट कर रोने लगी। थाने के अंदर हनीप्रीत और विपासना को आमने सामने बिठाकर करीब 40 सवाल पूछे गए। पुलिस ने विपासना से जानकारियों की तस्दीक की, जिससे ये पता चल सके कि रिमांड में हनीप्रीत ने कितना सच बोला और कितना झूठ। पुलिस का कहना है कि उसे अपने केस को मजबूत करने के सबूत मिल गए हैं। हनीप्रीत को 10 दिन तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, यानी वो 27 तारीख तक जेल में रहेगी। अगली सुनवाई पर कोर्ट तय करेगा कि आगे क्या करना है। गौरक्षा के नाम पर देश में गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही। गौमांस से शक में एक युवक को इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया। गौमांस के शक में इस युवक को लोगों ने इतना मारा कि बेसुध कर दिया। जमीन पर लाइनिंग की टी शर्ट पहने इस युवक की छाती पर घुटना रखकर इसकी पिटाई की जा रही है। बराबर में पुलिस वाला खड़ा है लेकिन रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। तस्वीरें दिल्ली से सटे फरीदाबाद की हैं। बाजड़ी गांव के पास आजाद अपने साथी की मीट की दुकान के लिए अपने ऑटो में मीट रख कर ले जा रहा था, तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की और लहूलुहान कर दिया। मैं चाहता हूँ या तो मुझे इंसाफ दे दो या मुझे फांसी दे दो। उसमें गाय का मीट निकलता है तो मुझे फांसी दे दो, और उसमें हालांकि भैंस का मीट निकलता है तो मुझे इंसाफ चाहिए। गो गुंडों की गुंडागर्दी से पूरा परिवार खौफ में है। आजाद की विकलांग पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने इस मामले में पीड़ितों के खिलाफ ही गौ रक्षा संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पीएम मोदी गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी ना करने की नसीहत दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गुंडागर्दी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ये है ABP News, आपको रखे आगे।